नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका सिविल स्कोर लो हो गया है, जैसे आपका सिविल स्कोर कुछ टाइम पहले 850 था या 800 था या 750 था या 730 था, अब आपका सिविल स्कोर कम हो गया है, 650 हो गया है, 600 हो गया है, 680 हो गया है, तो अब आपका जो सिविल स्कोर है उसमें इंक्वायरी हो चुकी है कि आपका जो पेमेंट है, आप डिफॉल्टर हो या आपका अमाउंट ओवर ड्यू है, आपका लोन ओवर ड्यू है, तो आपके सिविल में से ये इंक्वायरी कितने टाइम बाद हटती है, कितना साल लगता है, कितना मंथ लगता है, और अगर आपके सिविल में ऐसा प्रॉब्लम आया है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वाच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप लोन करवाते हो, चाहे होम लोन हो, चाहे बाइक लोन, चाहे कार लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड लोन हो, चाहे आप मोबाइल ऐप कंपनी से लोन ले रहे हो, क्या होता है कि कभी कभी आप अपने लोन को टाइमली पेमेंट करते हो, अच्छे से आप कंपनी से व्यवहार करते हो, बैंक से व्यवहार करते हो, और अचानक आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है और आप एक दो किस्त अगर भर नहीं पाते हो, फिर बैंक आपको परेशान करता है, कंपनी परेशान करती है, धमकी देती है, लीगल नोटिस भेजती है, और आपको पैसा न रहने के कारण आप EMI पैड नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप EMI नहीं दे पाते हो तो यहाँ पे बैंक जब अधिक परेशान करते हैं तो आपका जो पैसा है अगर बैंक को नहीं मिलता है तो बैंक जो है सिविल में रिपोर्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका सिविल में रिपोर्ट हो जाता है तो आपका जो वहाँ पे निगेटिव शो करता है, आपका सिविल कम हो जाता है, आप लोग परेशान होते हो, लोन करवाते होता नहीं है। बट आपके मन में ये सवाल अक्सर आता है कि अगर मान लो मेरे सिविल में निगेटिव आ गया है, अमाउंट ओवर ड्यू आ गया है, अगर मैं पेमेंट कर दूं और क्या मेरा ये जो ओवर ड्यू या निगेटिव आया है कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, जो आपका सिविल स्कोर होता है, ये सिविल स्कोर आपका ऑटोमेटिक होता है। कहने का मतलब है आपका ये लेन देन, आपका लेखा जोखा रहता है, आप जब भी कंपनी बैंक से कोई भी सामान, आप कोई भी लोन लेते हो तो आपका रिकॉर्ड वहाँ पे बनता है और वहाँ पे ब्यौरा रहता है। कभी भी आप लोन अगर लेते हो तो सिविल कंपनी वहाँ पे आपका पूरा अपडेट करती है और आसानी से आपको भविष्य में लोन भी मिलता है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ पे ये आती है, आखिरकार अगर आप सेटलमेंट कर लेते हो या पूरा लोन पैड कर देते हो तो इंक्वायरी कब तक रहती है। दोस्तों देखिए, बैंक और कंपनी का नाम है कि अगर आप मेरा अमाउंट चाहे आज डिफॉल्ट किए हो, 2 साल 3 साल बाद पे कर दिए तो 6 मंथ के बाद आपका इंक्वायरी हट जाता है। बट ये सरासर गलत है, आपका 1 से 2 साल लगता है और वहाँ पे अगर इनकेस अगर आपका वहाँ से नहीं हटता है, वैसे हट जाता है, नहीं हटता है तो आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कंप्लेन करना होता है, आपको RBI को रिपोर्ट करना होता है। अगर आपके पास NOC लेटर है या सेटलमेंट लेटर है या बैंक स्टेटमेंट है तो आप पूरा डिटेल्स डाल के आप उनको ईमेल कर सकते हो। आपका जो रिप्लाई है ईमेल का, 1 दिन से लेके आपका 90 दिवस लगता है, आपका रिप्लाई आता है। अगर आपका फिर भी नहीं होता है, वैसे हो जाता है, आपको सिविल ब्यूरो कंपनी को भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए और यहाँ तक आपको ट्विटर पर भी डालना चाहिए, और फिर भी नहीं तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेंट डालना पड़ेगा। सारा ब्यौरा आपका ऑनलाइन होगा, कहीं आपको जाना भी नहीं पड़ेगा और सारा मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका जो अमाउंट रहता है अगर आप उसे पैड कर देते हो तो क्या होता है कि कंपनी अगर मान लो जब रिपोर्ट करती है कि हाँ मेरा पैसा मिल गया, जैसे मान लो मैंने अपने डायरी में उधारी लिख दिया और एक पर्सन हमसे कोई सामान उधार ले गया, मैंने डायरी में मेंशन कर दिया कि ये पर्सन इतना पैसा उधार ले गया है, अब मान लो वो पर्सन हमारा पैसा नहीं दे रहा है तो अब मैं क्या करूँगा कि वो डायरी में हमेशा के लिए डाल दूंगा कि ये पैसा मेरा पर्सन ने नहीं दिया है। अब मान लो एक अचानक वो पर्सन आया, मेरा पैसा मुझे दे दिया, तो अब क्या होता है कि अब मुझे अपने डायरी में से उसको काटना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे रिपोर्ट करना होगा, उसको क्लियर करना होगा कि हाँ ये पैसा मिल गया है। कंपनी बैंक क्या होती है कि उसको अगर ध्यान न देके अगर उसको रिपोर्ट या मेंटेनेंस नहीं करती है तो फिर क्या होता है कि वैसे पेंडिंग पड़ा रहता है। अगर कंपनी या बैंक अगर रिपोर्ट कर देती है तो 6 मंथ के पहले पहले वो वहाँ से आपका जो पेंडिंग है वो रिमूव होता है और आपका सिविल सही रहता है, बट आपका टाइम लगता है। तो इसलिए कभी भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको कंप्लेन
करना पड़ेगा, तभी आपका ये मैटर क्लियर होगा। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका लंबा समय हो गया है, ज़्यादा अमाउंट हो गया है, तो पहले कंपनी से आप एक सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लो, तभी आप उनका पैसा पेड करो, क्योंकि पैसा देने के बावजूद ही आपका सिविल सही नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो सिविल बहुत मैटर करता है, क्योंकि सिविल स्कोर आपके लिए एक बहुत बड़ा महत्व मायने रखता है, कि आज अगर आप पैसे हैं, भविष्य में कोई दिक्कत आया तो आपको लोन कौन देगा। तो सिविल बहुत मायने रखता है। जिनके घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो सिविल कोई काम का ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे आ रहे हैं पहले से ही। बट जिनके पास उतने पैसों की बंदोबस्त नहीं है, तो उनके लिए सिविल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सिविल आपका एक वरदान है अगर आप सही तरीके से मेंटेनेंस करते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करना, शेयर करना। क्या आपका सिविल खराब हुआ है? जो ट्रिक मैंने बताया उसको फॉलो कीजिएगा, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको ये जानकारी जरूर मिलेगी। तो बस इतना ही कहना था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।